नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हर एक व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि वह पूर्व जन्म में आखिर कौन था, वह मनुष्य था या जानवर या फिर कोई पक्षी। हर मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की इच्छा होती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य का जन्म कई बार होता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का जन्म दोबारा होता ही है, क्योंकि आत्मा तो नश्वर है, वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म तब तक होता रहता है जब तक उसे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिल जाती, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। मित्रों, कभी कभार आपने यह देखा होगा या सुना होगा कि कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म की कुछ बातें याद आने लगती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मनुष्य कई बार सपने में अपने पुनर्जन्म से जुड़े कई ऐसे चीजों को देखता है जिससे यह पता चलता है कि उसका पूर्व जन्म हुआ है। इसके साथ साथ मनुष्य को कई ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उस पूर्व जन्म की कुछ ऐसी बातें सताने लगती है या कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें देखने पर उसे पूर्व जन्म का आभास होने लगता है। शास्त्रों में आत्माओं की स्मृति को चित कहा जाता है और चित में सभी यादें इकट्ठी रहती है। ये यादें कभी भी नष्ट नहीं होती और मनुष्य को कई ऐसे लक्षण उसके पूर्व जन्म के बारे में दिखाई देते हैं जिससे पता चलता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो मित्रों, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको पुनर्जन्म के कुछ लक्षण के बारे में बताने वाले हैं जिससे पता चलता है कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। आइए सब मिलकर जानते हैं। पहला लक्षण, किसी चीज के प्रति खास लगाव होना। अगर किसी मनुष्य को किसी चीज के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव होता है तो यह पुनर्जन्म का लक्षण माना गया है। यह चीज किसी भी आदत या किसी भी कार्य को करने की चाहत हो सकती है। जैसे किसी को संगीत के प्रति बचपन से ही लगाव रहता है, जबकि उसके परिवार के कोई भी सदस्य संगीत से प्रेम नहीं करता। जैसे किसी को बचपन से ही गाने का शौक होता है या नाचने का शौक होता है, या फिर कोई व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में बचपन से ही अपनी रुचि दिखाने लगता है, तो इससे यह समझ जाइए कि उसका पूर्व जन्म उस चीज या उस आदत से जुड़ा हुआ था। दूसरा लक्षण, किसी बात से अनजान भय होना। मित्रों, पूर्व जन्म का दूसरा लक्षण यह होता है कि मनुष्य को किसी बात या किसी चीज से अनजाना भय होने लगता है। यह भय उसे बचपन से ही होता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके वर्तमान जीवन में इस भय से कोई लेना देना नहीं होता। यह कोई भी भय हो सकता है, जैसे बिजली से, पानी से, रात के अंधेरों से डरना, या फिर किसी भी चीज से हो सकता है। यह भय उसके अंदर पूर्व जन्म के कोई बड़ी घटना के कारण उत्पन्न होती है। जैसे अगर उसकी मृत्यु पानी में डूबकर हुई हो या रात के अंधेरे में हुई हो या फिर कैसे भी हुई हो, तो उसे इस जन्म में इन चीजों से डर लगने लगता है। तीसरा लक्षण, सपने में एक ही चीज बार बार दिखाई देना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्म का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि उसे सपने में एक ही चीज बार बार दिखाई देता है। उस व्यक्ति को सपने में कुछ भी दिखाई दे सकता है, जैसे मंदिर, अनजानी जगह, दुर्घटना या फिर अनजाने चेहरे दिखाई दे सकते हैं, तो यह संकेत उस मनुष्य के पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं, जबकि वर्तमान जन्म में उस व्यक्ति को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी यह सपने लगातार उस व्यक्ति को आते रहते हैं। चौथा लक्षण, अनहोनी होने का आभास होना। मित्रों, जिस मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ होता है उनमें एक अद्भुत शक्ति होती है जिस कारण से कोई भी अनहोनी घटना घटने से पहले उन्हें आभास होने लगता है कि भविष्य में कोई दुर्घटना घटने वाली है। उनका मन बेचैन होने लगता है। यह उस मनुष्य का पुनर्जन्म का संकेत देता है।
पांचवा लक्षण, किसी जगह से खास लगाव होना। जिस मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ होता है, उस मनुष्य को किसी इंसान या जगह से कुछ खास लगाव होता है, लेकिन उसके वर्तमान जन्म में ना तो वह व्यक्ति उस इंसान से मिला रहता है और ना ही वह उस जगह पर गया होता है, लेकिन फिर भी यह भावनात्मक लगाव उसके पूर्व जन्म से संबंधित होता है। यह स्थान कोई समुन्दर का किनारा, पहाड़ी क्षेत्र या कोई बड़ा जंगल भी हो सकता है, जहां पूर्व जन्म में उस व्यक्ति की इच्छा उस जगह पर जाने की होती है। मित्रों, बता दे, पूर्व जन्म से वर्तमान जन्म में कोई भी लेना देना नहीं होता, बस हमारी आत्मा हमें संकेत देना चाहती है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए धर्म की राह पर चलकर अच्छे कर्म करने चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किसी मनुष्य का दोबारा जन्म होने से कौन कौन से संकेत मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।